अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 22 था कल। मिस्टर दानेश्वर आर रिनोन्ड ऑथर, इतना रिनोन्ड है कि आपको नाम भी नहीं पता। पेज 18। मिस्टर दानेश्वर आर रिनोन्ड ऑथर कंप्लीटेड हिज बुक ऑन लोगों की हरकतें इन 2.5 ईयर्स। 2.5 साल वो लोगों को ऑब्जर्व करता रहा, फिर उसने कहा आप इसकी किताब एक बना देते हैं, फुल स्टॉप। ही रिसीव्ड अ लम सम ऑफ 9 लाख इन मई 2016 ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी। उसको उसके काम की रॉयल्टी मिली 9 लाख रुपया। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ 9 लाख रिसीव्ड बाय मिस्टर दानेश्वर, इसकी टैक्सेबिलिटी बताएं। जी भाई, क्या किताब लिखने पे 24 महीने से ज्यादा टाइम लगाए? जी, 2.5 ईयर्स इज ग्रेटर देन 24 महीने, 2 साल से ज्यादा अरसा है। तो इसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ही मे चूज कि ये 9 लाख के 3 हिस्से करें और हर साल 3-3 लाख गिराए। किस किस साल? 16 में, मई जो मई 16 का मतलब 30 16 का साल है, 16 में, 15 में और 14 में। टाइम पे आया करें, ये हाइब्रिड क्लास वाले भी मर्जी से आ रहे हैं, फिजिकल वाले भी मर्जी से आ रहे हैं, जब दिल चाह रहा है जो आ रहा है, बाकी पहले से बैठे हुए को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी, और किसने चेक रखना है क्लास पे, पीछे मुड़ के देख ले, पीछे मुड़ के वैसे देखने लग जाते हैं आप भी। अच्छा, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। क्वेश्चन 15 कहते हैं एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे मालूम होगा? जी भाईजन, होली या होली और पाटली? होली और पाटली की बेस पर से। ठीक है, आपका साथ वाला आ गया या उसने आना है अभी? आने ये लास्ट रो में जगह बना दें और एंड पे हो जाए, टाइम पे आ गए। अच्छा, अच्छा जी, अब हमारा जो सेक्शन है वो है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। जी मोहतरम, आपके लेट आने की वजह क्या है, आप शेयर करना पसंद करेंगे? तो मेडिसिन आप साथ लेके आया करें ना। फिर क्या चीज? तो पानी साथ लेके फिरना था। हाँ, तो ये बताओ ना कि मैं पानी लाना भूल गया था, ये इस तरह बताया करो। देखने में आप पढ़े लिखे लगते हो, वैसे लेट आते हो। किधर? अच्छा जी, एक सवाल है आपके सामने। माइनर चाइल्ड एक ऐसा बच्चा होता है जो दुनिया के हादसात से बचा होता है और दुनिया के फितनों से भी बचा होता है। मिस्टर तैमूर है, इसकी उम्र है 13 साल, माशाल्लाह। इसकी बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपया। तो 13 साल की उम्र में ही इतना कमाना लग गया रिक्वायर्ड। आपने कैलकुलेट करनी है इसके टैक्सेबल इनकम, ये ज्यूम करते हुए कि उसको बिजनेस मिले इनहेरिटेंस में, वरासत के अंदर उसको बिजनेस मिले, यानी अम्मी अबू किसी की डेथ हो गई, उस वजह से उसको बिजनेस मिला वरासत में। ऑप्शन नंबर 1 ये है, और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि उसको बिजनेस मिला है नॉट इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के जरिए उसको बिजनेस नहीं मिला बल्कि उसने खुद बिजनेस किया है। आजकल तो 6-7 साल का बच्चा ऑनलाइन कमाने लग जाता है, ये तो माशाल्लाह 13 साल का हो गया, 17 साल तक तो पूरा सिंध फतह हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम की तरह। तो ये तैमूर का तो लेवल है अपना। तो
डिपेंड करता है कि तैमूर ने ये बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर किया है या खुद दिन रात एक करके बिजनेस किया है। तो बज़ाहिर अब दोनों सूरतों के अंदर हमें जो है वो जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब ही दे देंगे इंशाल्लाह हम। तो जो पहली ऑप्शन है इसमें ये लिखा हुआ है कि बिजनेस इज एक्वायर थ्रू इनहेरिटेंस, बिजनेस मिले इनहेरिटेंस के जरिए। तो इस सूरत में अब अब्बू या अम्मी जो भी हैं उनमें से अगर कोई चला गया तो बस तैमूर अपनी इनकम पे खुद टैक्स दे दें, तैमूर टेबल खोलें और टेबल खोल के चेयर रखे, सॉरी टेबल 1 और 2 खोलें और टेबल 1 और 2 लगा के उस 10 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स दे दें। दूसरी सूरत में तैमूर को इनहेरिटेंस में बिजनेस मिला नहीं, अम्मी या अबू मौजूद होंगे, तो ऐसी सूरत में तैमूर ऐसा करें कि अपनी इनकम को अम्मी या अबू की इनकम में ऐड करें। अब सवाल यह है कि अम्मी की इनकम में ऐड करें या अबू की इनकम में ऐड करें। तो उसमें सवाल अगला ये होगा कि अबू का कद ज्यादा है या अम्मी का कद, अबू की इनकम ज्यादा है या अम्मी की इनकम ज्यादा है। तो अगर तैमूर ने कमाया फर्ज करें 10 लाख और अम्मी ने कमाया 25 लाख और अब्बू ने कमाया 20 लाख, अम्मी लेडी डॉक्टर है मुस्कुरा क्यों रहे, अम्मी ने कमाया 25 लाख अब्बू ने कमाया 20 लाख, तो फिर अब्बू या अम्मी में से हाईएस्ट कौन है? मॉम। मॉम की टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो फिर तैमूर का 10 लाख मॉम की टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दें और मॉम की टैक्सेबल इनकम में ऐड करके अब आप 35 लाख, यानी 10 लाख तैमूर का 25 लाख मॉम का, तो 10 जमा 25 35 लाख के ऊपर अब आप टैक्स जमा करवाएंगे। और इसमें वो रूल जो हमने पढ़ा था वो रूल इसकी एक्सेप्शन, ये पॉइंट उसकी एक्सेप्शन होगी कि हर इंडिविजुअल ने अलग अलग टैक्स जमा कराना है, माइनर चाइल्ड के केस में इसकी एक्सेप्शन होगी, नोट कर लें। किससे? नहीं वो दस छोड़ सकती नहीं, खुद खुद कमा रहे ना, इनहेरिटेंस में जो बिजनेस मिला है वो उस बिजनेस वो दुकान से इनकम हो रही है। क्या चीज कहाँ मरा है? नॉट एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस लिखा हुआ है ना दूसरा वाला। पढ़ पढ़ के लूट मचाइए आपने संडे को। अच्छा चलो जल्दी करो नोट, इनको नोट्स अब्दुल्ला को कहीं ला दे। Already noted. Chetty Chetty, speed up. इसको ऊपर कर दे, हाथ से ही कर दो होता था। अच्छा जी, अब रूल ये है, बस सिंपल सा याद रख लें, अगर उसको इनहेरिटेंस में बिजनेस मिला है तो शायद लॉ मेकर ये सोच रहा है कि अब पता नहीं अम्मी अबू में से कोई बचा भी है या नहीं, तो फिर तो बस वो अपनी इनकम पे खुद ही टैक्स दे। अब वो माइनर भी है तो किसी टैक्स कंसल्टेंट को हायर करे, जो मर्जी करे, जो इतना कमा रहा है उसको फिर पता भी होगा चीज़ों का। और जो इनहेरिटेंस में जिसको बिजनेस नहीं मिला बल्कि उसने खुद दिन रात एक करके बिजनेस किया है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अबू या अम्मी में से जो ज़्यादा कमा रहे हों उसकी इनकम ऐड कर दें। अच्छा अब ये बोंगे बोंगे सवाल खुद ना बनाया करें, अब्बू भी 25 लाख कमा रहे हैं अम्मी भी 25 लाख कमा रही हैं, तो दोनों में से किसी एक की इनकम में फिर ऐड कर दें। नहीं नहीं फिर भी दोनों में से हाईएस्ट कौन?
कॉन्सेप्ट की मत मारनी हो तो मरवा लें आपसे आके। नहीं नहीं फिर भी ऐसा भी तो हो सकता है, फिर भी टाइम पे आया नहीं, इससे क्या फायदा क्लास होगा। अच्छा इधर आप लोग भी देख लिया करें कौन कौन लेट आया, सारे पीछे मुड़ के रहा करें, इधर दोनों कैमरे ना इधर लगा दो बोले। अब पीछे देखने वाले को ना चलें देखते हैं क्या करना है। चलें इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, चलें जी पढ़ें जी अल्लाह सबको दे। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, भाई को मुंह से निकल जाती है बात। माइनर चाइल्ड इज अ बच्चा अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर, नोट्स कह दिए, साल के एंड पर जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो क्या है, और अगर 29 जून को वो 19 साल का हो गया तो फिर ऐसी बात, साल के एंड पे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 18 साल से कम, देन ही विल बी कॉल्ड एज मुन्ना सा बच्चा। कोई माइनर चाइल्ड तो नहीं बैठा हुआ क्लास में है। अच्छा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड, चलो अच्छा हो गया मैसेज आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मॉम और डैड हु हैज द अन्नी टैक्सेबल इनकम, जिनकी ज्यादा टैक्सेबल इनकम है। ये वाला रूल नहीं लगेगा अगर बिजनेस एक्वायर हुआ हो, ये रूल तब नहीं लगेगा जब बिजनेस कब एक्वायर हुआ हो, ये देखें जब बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर हुआ है तो हमने ये रूल नहीं लगाया ना, ये देखें जब इनहेरिटेंस में एक्वायर हुआ है तो मॉम डैड की बात ही नहीं की, ये इनकम सारी किसकी है तैमूर की, मॉम डैड के बारे में पूछना ही नहीं। सेक्शन 67 अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे, ये मोहतरम जिंदगी के किस मोड पे आपको खर्चे अपोर्शन करने पड़े, जल्दी मिसाल दे दें, जिंदगी के किस मोड पे आपको खर्चे पोर्शन करने पड़े। भाई ऑरेंज शर्ट जल्दी बैठे, आगे आए जहां भी बैठना है, टाइम पे आ गए। हाँ जी हॉस्टल के अंदर खर्चे पोर्शन करने पड़ते हैं, ठीक है, और खाना आपने खाया साथ वाले की प्लेट से, टांग की हड्डी निकली आपकी प्लेट से, गर्दन की हड्डी निकली, तो आप अब उस बेस पे पोर्शन करेंगे खाने का बिल कि 400 रुपया तू दे दे 100 रुपया मैं दे देता हूँ। तो जिंदगी के मुख्तलिफ मोड आते हैं, एक ये इधर बाहर निकल के भी मोड आएगा, तो जिंदगी के मुख्तलिफ मोड आते हैं, उन मोड़ों पर आपको खर्चे क्या करने पड़ते हैं, अपोर्शन करने पड़ते हैं, तू खुरक कर ले। अच्छा जी सेक्शन 67 क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर रियाज चौधरी एक साहब है, चीमा नहीं चौधरी प्लीज, चीमा हो तो मैं बताऊंगा। मिस्टर रियाज चौधरी इज अ रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग, उसने ये आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है, उसकी जी पाकिस्तान के अंदर एक दुकान है, उसकी उसकी सेल है 3 लाख, और पाकिस्तान की दुकान के अंदर उसने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपया जो उसने पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं, ये तनख्वाहें जो है वो प्रोबेबली होंगी क्या कहते हैं रशीद और अकरम को, जिनको पाकिस्तान में दुकान पे काम करने के लिए रखा हुआ है। इसके साथ मोहतरम ये कनाडा के अंदर भी इसकी दुकान है, देख रहे हैं आप रियाज का लेवल है, कनाडा के अंदर भी इसकी एक दुकान है, तो वहाँ पर इसकी सेल है 7 लाख रुपीज, और वहाँ पर इसने जॉन और माइकल को रखा हुआ है, जॉन चेतिया छोटे, तो जॉन और माइकल को रखा हुआ है और उसको तनख्वाह दे रहे हैं, ये इनको इसने तनख्वाहें दी हैं जॉन और माइकल को 7,000। इसके अलावा इसने एक इश्तिहार चलाया है इनका डोना टीवी चैनल, टीवी चैनल के ऊपर इसने इश्तिहार चलाया। आज बड़ा अफसोस हुआ सुबह वाली क्लास में जब एक बच्चे से मैंने पूछा ये क्या किया, उसने कहा 8 से 12 बजे तक यहाँ पर टाइम में लगाता रहा, फिर उसके बाद पता नहीं इधर से इधर ये किया, फिर 2 बजे से 4 बजे तक जो है वो मैं पढ़ता रहा, और फिर 4 बजे से ऑनवर्ड्स पता नहीं क्या
तो 11 बंदे इधर खड़े थे, 11 बंदे इधर खड़े थे, बॉल थी और उसको मार रहे थे, मैं खेल देख रहा था। अब इतना टाइम वेला आप लोगों के पास निकल आते हैं कि वो कोई बॉल है उसको इधर से कोई मार रहा है, उधर से मार रहा है, आप खड़े हो, यार हद हो गई। तो हालात आगरा का तो पता ही नहीं होता सीए वाले को, चल क्या आजकल पेपर आना जनरल नॉलेज का, टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं आप। मैं सीरियसली बताऊँ, अगर जिंदगी में कभी मुझे मिल जाए ना 6 घंटे इस तरह वेले में, हैरान हो जाऊँ यार 6 घंटे वेले मिल गए, सर को जाने का टाइम नहीं होता बंदे के पास, कोई घंटा डेढ़ बस खेल लिया करें दिन में, और क्या करना है आपने। ये कि लोग खेल रहे हैं आप देख रहे हैं, वो वेले लोग, वो खुद कह रहे हैं हम खेल रहे हैं और खुद कह रहे हैं ये खेल है, और आप कह रहे हैं चलो यार ठीक है तुम भी खेल कह रहे हो, जो उनकी नजर में खेल है वो आपकी नजर में टाइम। और आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, आप कंपनी की डेफिनेशन याद करना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप एओपी की डेफिनेशन याद करना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप जो है पास पेपर को लिख के करना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी कुर्बानी करके जिस चीज को लोग खेल कह रहे हैं आप उसको देखो, क्लास के बाद मिलिएगा। अच्छा जी, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, भजन आपको दिन रात लगाने पड़ेंगे सीए में, आपको मिड नाइट पे ऑयल बर्न करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं काम होना। ये जो जज्बा है ना अंदर का, इसको आप जगा लें, बहुत अरसा हो गया सोते हुए, मैट्रिक में नहीं इस तरह होता था जज्बा, इस मैट्रिक में घर वाले कहते थे बेटा मैट्रिक कर लो आगे मजे हैं, वो वाला जज्बा अपने अंदर किसी तरह पैदा कर लें। ये बस इंशाल्लाह ये पेपर निकाल ले, इस सफा वाले आगे मजे हैं। तो आप तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस, एक एडवर्टाइजमेंट चली है जो दोनों मुल्क, इस क्लास में किसी के पास नोट्स ना हो हाथ खड़ा करें, ठीक है एडवर्टाइज कहाँ है नोट्स, किधर है, क्या है, अच्छा चलो बताएं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किया गया, एक इश्तिहार चलाया गया जो दोनों मुल्कों के अंदर देखा गया। अब आप मुझे बता दें ये 5,000 के खर्चे के बारे में पता चल रहा है कि इसको हमने कैसे माइनस करना है। पहले मुझे बताएं येलो और स्काई ब्लू में फर्क क्या है, वो येलो है ये स्काई ब्लू है, येलो जो है वो बता रहा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं जिसको आप कहते हैं पाया, और स्काई ब्लू बता रहे हैं आपके पास से पैसे जा रहे हैं जिसे आप कहते हैं खोया। अच्छा इस खोए में और नीचे वाले खोए में क्या फर्क है, सैलरीज के बारे में वाजे पता चल रहा है कि किस दुकान के लिए कितनी सैलरीज की, लेकिन इसके बारे में उसने लिखा है ये 5,000 जो खर्चा हुआ है ये बोथ प्लेसेस पे इश्तिहार देखा गया है। अब पता नहीं किस इश्तिहार देखने की वजह से पाकिस्तान में लोग आए हों, किसकी वजह से कनाडा में लोग आए हों। अब अगर मैं इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करने की साइट पे जाऊं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, तो व्हाट आई विल डू, उसके लिए मैं क्या करूं, सही है दोनों जगह माइनस कर दूं 5,000, क्यों ये 5,000 तो 10,000 बन जाएगा, फिर मैंने कितना माइनस करना है 5,000। अब 5,000 के खर्चे को दोनों पे क्या करूं, अपोर्शन करूं किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटी, जो नेचर और साइज ऑफ एक्टिविटी है, जो हजरात पहले दिन आए हैं कोई मसला नहीं समझे, बातें इजी इजी है कोई मसला नहीं, और अगला चैप्टर का तो वैसे ही पिछले से कोई खास लिंक नहीं होना। तो बताएं जी रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटी हमारी ऐसी है कि मैं बता सकूं किस एक्टिविटी में ज्यादा अर्निंग हुई है, किस एक्टिविटी में ज्यादा अर्निंग हुई है कैनेडा में और किस में कम अर्निंग हुई है। तो इसलिए 5,000 के खर्चे को दोनों सेल के ऊपर क्या कर दें, अपोर्शन कर दें। चलें जी अब इन साहब की हमने इनकम निकालनी है, सबसे पहले मैं इनकम निकालता हूं पाकिस्तान सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स इनकम जी, पाकिस्तान की दुकान की सेल बताएं 3,00,000, पाकिस्तान की दुकान की सैलरीज 10,000, अच्छा जी पाकिस्तान की दुकान के लिए आपने कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया होगा। अब आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स का क्या मतलब है, जो बाहर के मुल्क के अंदर आपने कमाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स,
जी मोहतरम, बाहर की सेल 7 लाख, बाहर के खर्चे, बाहर के खर्चों में पहला खर्चा सैलरीज कितना जी? 7000। अब पीछे का बच गया एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट को हमने क्या करना है, दोनों हेड्स के अंदर अपोर्शन करना है। पकड़ा जी किसको? 5000 को। 5000 को डिवाइड किससे करें? 3 लाख और 7 लाख से, और मल्टीप्लाई किससे करें? 3 लाख से। इससे 5000 का वो टूटा हुआ हिस्सा आ जाएगा जो पाकिस्तान की सेल से रिलेट करता है। फिर दोबारा 5000 को पकड़ें और 5000 को पकड़ के डिवाइड करें 3 लाख और 7 लाख से, और मल्टीप्लाई किससे कर दें? हाँ, मल्टीप्लाई 7 लाख से कर दें। 3 लाख जमा 7 लाख और मल्टीप्लाई कर दें 7 लाख से जी। 5000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहे हैं? 1500 को इधर माइनस कर दें और 3500 को इधर माइनस कर दें। अभी जो मैंने ग्रीन में फिगर्स हाईलाइट किए हैं, क्या इन दोनों को जमा करके 5000 बन रहे? अब खर्चा हमने रीजनेबल बेस पे कैसे एलोकेट किया? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जिसकी सेल ज्यादा है उसको हमने ज्यादा खर्चा पोर्शन किया जी। टोटल अब्दुल्ला को मेरे घर से कैलकुलेटर ला दे। 288500 689 टोटल 97000 NOTE कर लें। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को हमने दोनों पे पोर्शन कर दिया। तो क्या करें, कनाडा के टिकट कराएं फिर? नोट करें। F2 में ना स्टैंडर्ड लाने हैं बच्चों को याद कराने। हाँ कानों में बातें किया करो भाई। बस फिर खुद ही अपनी इनकम। अच्छा पहला दिन है तो नोट्स से था ना, और दूसरा वो हार्ड बाउंड वॉल्यूम है ना नया आया हुआ, किसी से मंगवाओ किसी के पास किया, ये भी खाओ जरा। हाँ कैसा है वो? फिगर्स को इधर करके लिखा करो। तो जिस खर्चे के बेस पे हमें, जिस खर्चे का हमें पता ना चल रहा हो कितना खर्चा किसके लिए किया, तो मुनासिब है उसको सेल की बेस के ऊपर जो है वो पोर्शन कर लिया जाए।
चलें जी, अब सवाल ये है अगला जी कि पाकिस्तान और फॉरेन दोनों इनकम स्पेस ने टैक्स जमा करवाने हैं, क्यों? क्योंकि रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट होता है उसने पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स जमा करवाना है और फॉरेन इनकम पे भी टैक्स जमा करवाना है। बस ठीक है, साथ वाले को एक साल और भी दे देंगे, वो नोट ही करता रहेगा। क्वेश्चन टू में आए आप। एज्यूम ऑल द डेटा इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर वन, सारा डेटा सेम है जैसे कि क्वेश्चन वन में है, बट द बंदा इज नाउ, जो नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ किस पे टैक्स जमा करवाना है, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है? 288500। तो इसमें से 288500 पर, तो जो रेजिडेंट है उसने दोनों मुल्कों की इनकम पे टैक्स जमा कराना है, और जो नॉन रेजिडेंट हो अगर उसने सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स जमा कराना है। अच्छा जी, खर्चे पोर्शन करने की कब कब जरूरत पड़ सकती है? इसमें मल्टीपल सिनेरियोज हैं जब जरूरत पड़ सकती है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपकी एक दुकान है, जनरल स्टोर है, जहां पे आप चीजें बेच रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो आपने कोई पोर्शन किराए पे दिया हुआ, इनकम हम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जो बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, क्या उस बिजली के बिल को दोनों हेड्स पर अपोर्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हो सकता है दुकान के ऊपर लाइटें ज्यादा चल रही हों, ज्यादा एसी चल रहे हों, ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हों, और जो आपने घर किराए पे दिया हो तो किराएदार इतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो बिजली का बिल आएगा उसको दोनों पे क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। इसी तरह कोई स्वीपर आपने रखा हुआ है सफाई करने के लिए, सफाया करने के लिए, तो वो जो स्वीपर है उसको जो आप तनख्वाह दे रहे होंगे वो भी दोनों हेड्स पे क्या करनी पड़ेगी? अपोर्शन करनी पड़ेगी। तो अगर एक बंदा एक वक्त में एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा हो और ये पता ना चल रहा हो कि बिजली का बिल कितना एक से रिलेट करता है और कितना दूसरे से रिलेट करता है, तो ऐसी सूरत में हमें उस खर्चे को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। ये एक मिसाल हो गई खर्चे को अपोर्शन करने की। एक और मिसाल, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो जनरल स्टोर है, आप चीजें बना के बेच रहे हैं, नोट करने का अन्ना टाइम दिया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जनरल स्टोर है, आप चीजें बना के बेच रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो आप खुद रह रहे हैं, यूर सेल्फ बीवी बच्चों के साथ, होम स्वीट होम। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो आपका कारोबार है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका घर है। अब आप इस घर के अंदर जो है वो रह रहे हैं, तो जो बिजली का बिल आएगा क्या उस बिजली के बिल को अपोर्शन करना पड़ेगा या अब अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है? अपोर्शन करना पड़ेगा। 4 लाख रुपए अगर बिजली का बिल आया तो हो सकता है आप अपोर्शन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि घर के अंदर आपने ऑर्डर पास किए कि सिर्फ एसी चलेगा रात को सोने वक्त, दिन के अंदर कोई बच्चा एसी चलाता हुआ पाया गया तो बच्चे को छितर पड़ेंगे। तो दुकान में तो कस्टमर आ जा रहे हैं इसलिए आपकी मजबूरी है, 24/7 शायद आप एसी चलाते हो, तो 4 लाख रुपए अगर बिजली का बिल आया तो शायद अपोर्शन करके आप इस नतीजे पे पहुंचे कि 3 लाख रुपया जो है वो दुकान से रिलेट करे और 1 लाख रुपया जो है बिजली का बिल किससे रिलेट करे? घर से रिलेट करे। तो यहां भी अपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप साल के एंड पे हुकूमत को बताएंगे कि मैंने दुकान से कितना कमाया, तो अगर आपकी दुकान की सेल 11 लाख रुपए है तो 11 लाख में से जब बिजली का बिल और खर्चे माइनस करने की बारी आएगी तो फिर हुकूमत आपको पूरा 4 लाख माइनस नहीं करने देगी, क्योंकि उसमें 1 लाख जो है वो घर का बिजली का बिल भी शामिल है, और अगर घर का बिजली का बिल दुकान के खर्चों में माइनस कर लेंगे तो ये अजीब सी बात होगी। तो इसलिए आप जो है वो दुकान की सेल में से सिर्फ कौन सा बिल माइनस कर सकेंगे?
दुकान का बिजली का बिल, इसलिए इस सूरत में भी खर्चे पोर्शन करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये बात भी याद रखिएगा, अगर आप जो है वो एक पोर्शन के ऊपर जो है वो खुद रह रहे हैं और दूसरे पे आप कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगेन आपको खर्चे पोर्शन करने की जरूरत महसूस, और अगर जरूरत महसूस नहीं हो रही तो ये आप में मसला है, तो जरूरत महसूस होनी चाहिए, इस सूरत में भी खर्चे पोर्शन करने पड़ेंगे। अच्छा, नोट करने का ना टाइम दिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब अगला सवाल ये है मोहतरम कि एक साहब पाकिस्तान में कई तरह की इनकम्स कमा सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, ज्वेलरी बेच सकते हैं, शेयर खरीद के बेच सकते हैं, घर किराए पे दे सकते हैं, वलीमे में सलामी रिसीव कर सकते हैं। तो एक साहब पाकिस्तान में कई किस्म की इनकम्स कमा सकते हैं, इन सबको जब टोटल किया जाता है तो इनका नाम रखा जाता है टोटल इनकम, और इसमें से जब ज़कात माइनस की जाती है तो इसे कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। कौन बोल रहा है? कौन बोला? अच्छा, और ये जो इनकम्स हैं इन इनकम्स को कहा जाता है नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी इनमें नॉर्मल तरीके से टैक्स निकलता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम ये इनको कहा जाता है। लेकिन हमारी आज एक अलग रिजीम है, रिजीम दुनिया मींस कोई अलग एरिया, फाइनल टैक्स रिजीम, ये बिल्कुल अलग है फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम्स में क्या इनकम आती हैं? मिसाल के तौर पे डिविडेंड इनकम, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं तो इंटरेस्ट इनकम इन सर्टन केसेस यहाँ आएगी, और तीसरी मिसाल जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सपोर्ट सेल्स, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है लेकिन लोकल सेल नहीं है, नोट करने का ना टाइम दिया जाएगा। तो ये जो इनकम्स आप कमा रहे हैं, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपोर्ट सेल इनकम, इनके बारे में लॉ मेकर ने वाजे कह दिया, इनको किसी हेड में डालने की इजाजत नहीं है। अगर आपको पता नहीं हेड क्या है तो भाईजान ये हेड है, साथ वाले का ना देखें, हेड ये हेड्स हैं, तो ये किसी हेड में डालने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि इन इनकम्स का अलग नाम रख दिया गया है फाइनल टैक्स रिजीम। तो एक्सपोर्ट सेल जो है वो है तो बिजनेस ही, लेकिन इस वाले बिजनेस में फॉल नहीं करेगी, इसके लिए अलग रेट अवेलेबल है लॉ में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो फोन आ गया कि भाईजान सुजुकी मेरान की बड़ी तारीफें सुनी है तो ये आप इधर एक्सपोर्ट कर दें, तो आपने जबरदस्त से एसी वाली एक सुजुकी मेहरान जो है वो उसको एक्सपोर्ट सेल कर दी। तो ये जो एक्सपोर्ट सेल होगी इसको बिजनेस तो कहते हैं लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से डील किया जाएगा। तो ये जो हमारी इनकम्स हैं जिन्हें हमने नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स कहा था, इन इनकम्स के ऊपर आपको पता है कि हम टेबल वन और टू लगाते हैं, इनके लिए थोड़े डिफरेंट रेट्स हैं, इनके लिए थोड़े डिफरेंट रेट्स हैं। डिफरेंट के स्पेलिंग में क्या मसला है? डबल। अच्छा जी, इनके लिए थोड़े डिफरेंट रेट्स हैं जो नॉर्मल से हटके हैं, वो हम जो है वो लगाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये अराइज होता है कि ये अलग क्यों है, इनका नाम नॉर्मल टैक्स रिजीम येलो वालों का और स्काई ब्लू वालों का नाम दूसरा क्यों है? द रीजन इज कि इनके ऊपर टेबल वन और टू लगते हैं येलो वालों के ऊपर, इनके ऊपर अलग रेट्स अवेलेबल है। हाँ, जिंदगी के किसी मोड़ पे आपके जहन के अंदर ये सवाल आ जाए कि कैपिटल गेन इनकम और डिविडेंड इनकम के अंदर क्या फर्क है, तो उसका जवाब ये है कि कैपिटल गेन इनकम होती है किसी कंपनी के आपने शेयर खरीद कर बेच दिए हैं, यह है कैपिटल गेन इनकम। ये हम कैपिटल गेन के इनकम के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मुझे बात करने की जरूरत नहीं है इसकी। और डिविडेंड इनकम का जब चैप्टर आएगा उसमें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि डिविडेंड इनकम क्या चीज होती है, आपने शेयर बेचे नहीं है, आपके पास पड़े हुए हैं और वो शेयर हर साल आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। तो कैपिटल गेन इनकम के अंदर और डिविडेंड इनकम के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है, जो गाय के अंदर और उसके दूध के अंदर डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास गाय है तो जब तक उसके पास गाय रहेगी दूध आता रहेगा, तो डेट इज लाइक डिविडेंड इनकम।
लेकिन जिस वक्त गाय, जी यू वाय वाली नहीं मैं कह रहा, गा फले वाली बात कर रहा हूं, लेकिन जिस वक्त वो गाय को बेच देगा, तो जब गाय को बेच देगा तो बेच के जो इनकम आएगी डैट विल बी हिज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टाइप की चीज है। गाय और जानवर का बेचना कैपिटल गेन इनकम नहीं होती, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं कि जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो जब तक वो शेयर आपके पास रहे हर साल प्रॉफिट देके जाते हैं दूध की तरह अंडों की तरह, तो उनको डिविडेंड इनकम कहा जाएगा। और जब आप उन शेयर्स को बेच देते हैं तो आपने मुर्गी से जान छुड़ा ली या गाय से जान छुड़ा ली या भैंस से जान छुड़ा ली, इस इनकम को कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब दूध और अंडे आने बंद हो जाएंगे व्हाट एवर द केस में भी। अच्छा, अब एक और सिनेरियो बन सकता है जिसमें आपने इनकम को पोर्शन करना है। अच्छा, ये जो इनकम्स है ना, इनके लिए टैक्सेबल इनकम का लफ्ज है और इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। माना के ये भी टैक्सेबल है, टैक्सेबल तो हैं, लेकिन इनके लिए टैक्सेबल का लफ्ज यूज नहीं होता, बल्कि इनके लिए सिर्फ इनकम का लफ्ज यूज होता है। ये इनकम है बट टैक्सेबल तो हैं, लेकिन टैक्सेबल का लफ्ज सिर्फ किन के लिए खास खास है, येलो वालों के साथ खास है, स्काई ब्लू वालों के लिए टैक्सेबल इनकम का लफ्ज यूज नहीं होता। ये सब कुछ किताब में हुआ हुआ है, हुए हुए को नोट करने का क्या फायदा, फिर डबल हो जाएगा। पेज नंबर 15 है साथ वाले के नोट्स में, जरा देखें। इनकम्स में नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स भी हैं और फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम्स भी हैं। ये लफ्ज़ पे भी मैं फोकस नहीं कर रहा, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस का मतलब होता है खर्चे, इधर माइनस हम पढ़ेंगे करने की इजाजत नहीं है, और नेट का मतलब होता है खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इस बहस को भी छोड़ें जी, नॉर्मल। और एक और भी है सेपरेट ब्लॉक, लेकिन इसको मैं अभी लिफ्ट नहीं करा रहा, सेपरेट ब्लॉक फिलहाल बाकियों को लिफ्ट कराते हैं, हमारी लिफ्ट को इतनी तो नहीं कि सब सबको कराते फिरें। सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, टोटल इनकम, लास्ट ज़कात, टैक्सेबल इनकम, टेबल 1 and 2 विल अप्लाई। तो मोहतरम, ये जो इनकम्स है ना, इनके टोटल को कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। और फाइनल टैक्स इनकम्स की एक मिसाल है डिविडेंड इनकम, और एक मिसाल है इंटरेस्ट इनकम, और तीसरी एक आपको मिसाल दी है एक्सपोर्ट सेल्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सपोर्ट सेल्स। तो ये इनकम जो हैं वो इनके क्या रूल है, इनका इनके लिए डिफरेंट रेट्स आर देयर इन लॉ, इनके लिए लॉ में डिफरेंट रेट्स हैं, क्लियर। तो ये जो है ना, ये इसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स की दुनिया। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स की दुनिया। और ये क्या है? फाइनल टैक्स की दुनिया। वो नॉर्मल टैक्स की दुनिया है और ये फाइनल टैक्स की दुनिया में जो इनकम्स आएंगी उनमें दो खासियतें हैं, एक तो इनको किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिराना, और दूसरा इनके ऊपर जब टैक्स देना है तो इनकी इनकम का नाम इनकम ही रखना है, इनको टैक्सेबल इनकम का लफ्ज नहीं कहना, बल्कि टैक्सेबल इनकम का लफ्ज सिर्फ खास है किन इनकम्स के लिए, नॉर्मल टैक्स रिजीम के इनकम्स के लिए। ओके, सुन रहे थे आप, काफी देर से बात हो रही थी पीछे। अच्छा, अब मोहतरम एक आखिरी सिनेरियो है, वो ये है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, और इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको पता है लोकल सेल आप कर रहे हैं, लोकल, ये आपको पता है मैंने बताया नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरती हैं, और आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी इनकम फ्रॉम बिजनेस है जिसके अंदर आप जो है वो एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं। 2x वाले खुद सोच रहे हैं उनके साथ इस वक्त क्या हो रही होगी, एक्सपोर्ट सेल। उपाय जन कितने आगे नई खबरें सुननी है, ये कौन सी रिजीम है जी? फाइनल, नोट कर लें साथ वाले के मत्थे पे।
ये वो वापस आए ना उधर जो सेक्शन हमारा चल रहा है अपोर्शनमेंट और डिडक्शंस का, इसी सफे पे तो नहीं शुरू हो गए? वापस आए उस सफे पे, वापस आ जाना भाई जिथे थी। पेज नंबर कौन सा था? हाँ जी तो शरीफ ले आए। जी ठीक है मैं ठीक है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सुबह हो गई, थोड़ा सीधा होके बैठो। अब वो उस वाले क्लास वाले इधर देखने लग गए हैं, सीधा हो। ओह माशाल्लाह जबरदस्त यार, इतना ना पढ़ा करो भाई, पहले भी मना किया है, पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हो। देख रहे थे ना तुम, देख रहे थे पीछे, सब नजर आ रहा होता। देख लिया भाई, जबरदस्त हो गया यार, टाइम अच्छा मिल जाता है। ये हर आधे घंटे बाद आप नशा पूरा करते हैं मोबाइल को देखने का, ज्यादा हो गया आधा घंटा। अच्छा अब मोहतरम सवाल ये है कि अगर एक बंदा एक वक्त में इन्हीं हेड्स के अंदर रहते हुए, अगर एक बंदा एक वक्त में इन्हीं हेड्स के अंदर रहते हुए इनकम कमा रहा है, तो इसको हमने सिनेरियो रखा था ए, जिसमें हमने कहा था एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा है। फिर हमने जम मारे और सिनेरियो पढ़ा बी, बी में ये था कि ये इन हेड्स ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए भी इनकम कमा रहे और घर के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह को जिसमें इनकम कोई नहीं कमा रहा। और तीसरा सिनेरियो जो दरमियान में हमने पढ़ा आखिर में, वो ये पढ़ा कि एक बंदा किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए भी इनकम कमा रहा, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में लोकल सेल कर रहा, और वो बंदा फाइनल रेजीम वाले इनकम्स भी कमा रहा है। तो अगर एक बंदा दोनों किस्म की इनकम्स कमा रहा हो, नॉर्मल रेजीम वाली भी फाइनल रिजीम वाली भी, यानी के लोकल सेल भी कर रहा है गाड़ियों की और बाहर के मुल्क में भी सेल कर रहा है, तो भी बिजली का बिल आएगा, तो दोनों पे क्या करना पड़ेगा? आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा हर बात ही, आने वाले दिनों में कुछ आज भी बता दें, सारी बातों में आने वाले दिनों में बोल रहे होते हैं। अच्छा आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा कि डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम के ऊपर रेट है 15%, बड़ा कम रेट है। वो जो टेबल 102 में तो 35% तक रेट पहुंचे हुए थे ना, 35% तक। और एक्सपोर्ट सेल का पता नहीं क्या रेट है, हमारे जमाने में तो 1% होता था। एक्सपोर्ट सेल को हुकूमत इनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हों, तो इसलिए इनके ज़रा रेट डिफरेंट है इन चीज़ों के, इस वजह से इनको हमने अलग रखा है। तो अगर जो दरमियान वाला हमने सिनेरियो और आखिरी पड़ा उसमें यह है कि अगर एक बंदा एक वक्त में बिजनेस भी कर रहा हो मिसाल के तौर पर, लोकल सेल कर रहा हो जिसमें, और साथ एक्सपोर्ट सेल भी कराओ, तो भी उसके खर्चे को क्या करना पड़ेगा? पोर्शन करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसने एक पोर्शन जो है वो अपना किराए पे चढ़ाया हो और दूसरे पोर्शन में सारी जो बिजनेस हो रहा है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट सेल हो रही है, कोई मसला नहीं। तो जब दरमियान वाला ए भी कब लगेगा? जब एक बंदा एक वक्त में इधर भी हो और इधर भी हो, तब ये लगेगा। सोचा था इतनी कलरफुल होगी क्लास, सोचा था आपने क्लास इतनी कलरफुल होगी, सोचा था एडमिशन लेने से पहले,
सोचा था या नहीं सोचा था, जल्दी बोल। सोचा था नहीं सोचा था, जल्दी बोल। उसको हिलाओ, कौन ही मारो उसको। सोचा था नहीं सोचा था, नहीं सोचा था, खड़े हो जाओ। चलें जी आप लोग इधर आए, आप पढ़ें अपना, खड़े हो, खड़े। अच्छा समझ आएगा। सेक्शन 67। हाँ खड़े हो, क्या मसला है। माशाल्लाह। वेयर एक्सपेंडिचर और वेयर डिडक्शन, वेयर एक्सपेंडिचर और वेयर डिडक्शन रिलेट्स टू कमाना ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। जहां आप खर्चा करें एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाने के लिए, वेयर एक्सपेंडिचर और अ डिडक्शन रिलेट टू मोर देन। ये क्या हाइब्रिड क्लास में आना जाना लगा। आप लोग देख लो पहले पीछे, आप लोग देख लो, आप लोग देख लो, आना जाना लगा हुआ क्लास में, समझ नहीं आ रही। बाकियों को भी डिस्टर्ब करते हैं भाई। अब ये एंट्री एग्जिट हाइब्रिड क्लास में ना बंद कर दिया करो, बस की तरह दरवाजा बंद किया करो, 1 घंटे 25 मिनट खुला करो दरवाजा। वेयर एक्सपेंडिचर और वेयर डिडक्शन रिलेट्स टू कमाना ऑफ इनकम अंडर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। जब आप एक हेड से ज्यादा में इनकम कमा रहे हो तो करना क्या है, तो करना क्या है, द खर्चा द शेल बी टोटे टोटे ऑन एनी मुनासिब बेसिस, क्या देखते हुए उनकी नेचर और उन एक्टिविटीज का साइज। हमने नेचर और साइज देखा डिपेंडिंग अपॉन सेल। तो जब आप एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाएं तो आपने खर्चे को पोर्शन करते हुए उनकी नेचर और साइज देखनी है। तो डेरिवेशन ऑफ इनकम अंडर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, हम किस हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे थे, एग्जाम्पल में इनकम प्रॉपर्टी में भी इनकम कमा रहे थे और बिजनेस में भी। लेकिन असल में ये पॉइंट कहना ये चाह रहा है कि आप एक वक्त में अगर सैलरी भी कर रहे हो या एक वक्त में साथ बिजनेस भी कर रहे हो या कैपिटल गेन भी कर रहे हो या प्रॉपर्टी भी कर रहे हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कमा रहे हो या बस, तो अगर एक वक्त में इनमें से कोई दो इनकम्स आप कमाने लग जाओ तो ऐसी सूरत के अंदर आपको खर्चे को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पॉइंट ए है ना, इसमें रहना आपने इसी के अंदर अंदर है, इससे बाहर नहीं जाना। पॉइंट ए के अंदर इसी के अंदर अंदर रहने, लेकिन किसी एक वक्त में एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे होंगे। ये पहली सिचुएशन बन गई जब खर्चों को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। ओके आई एम रीडिंग इट फॉर द लास्ट टाइम फॉर यू पीपल ओनली। वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू कमाना ऑफ इनकम अंडर मोर देन द खर्चा शेल बी तकसीम, तो खर्चे को क्या कर दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट। वेयर एक्सपेंडिचर और डिडक्शन, अलाउंस के लफ्ज को भी छोड़ दें, अलाउंस का लफ्ज फिर बिजनेस के चैप्टर में जरा डिटेल से देखना है। वेयर एक्सपेंडिचर और डिडक्शन रिलेट्स टू कमाना ऑफ अ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर अ हेड ऑफ इनकम। भाई जान हेड ऑफ इनकम यही है, ये वाले जहां आप खर्चे कर रहे हैं किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए एंड फॉर सम अदर पर्पस। फॉर सम अदर पर्पज की हमने मिसाल ली थी, नहीं नहीं घर नहीं, होम स्वीट होम। तो आप एक ही वक्त में इनकम भी कमा रहे हैं किसी हेड ऑफ इनकम में और साथ आप घर के अंदर भी वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिजली नहीं वो तो बिजला है, फिर उस बिजले को दोनों में क्या करें, अपोर्शन करें। अब करना क्या है, करना क्या है, द खर्चा, सॉफ्टली बोले द खर्चा शैल बी छोटे छोटे ऑन एनी मुनासिब बेसिस, देखते हुए उन एक्टिविटीज की नेचर और उन एक्टिविटीज का साइज। और आखिरी सिनेरियो, वेयर खर्चा रिलेट्स टू कमाना ऑफ इनकम, दो इनकम्स कमा रहे हैं क्योंकि अब इनकम का लफ्ज़ है और आगे ये दो दो नुक्ते लगे हुए हैं। कमाना ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का लफ्ज खास है नॉर्मल टैक्स रिजीम वालों के लिए। तो टैक्सेबल इनकम का लफ्ज खास है इन पांचों चीजों के लिए। एंड और एक और इनकम भी कमा रहे हैं, इन पांचों में से कोई एक इनकम भी कमा रहे हैं और एक और इनकम भी कमा रहे हैं। एंड इनकम फॉलिंग अंडर
مثال کے طور پہ ایکسپورٹ سیل. ایسی صورت میں بھی آپ کو خرچے کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپورشن کرنا پڑے گا. تو یہ تین پوائنٹس ہیں. پوائنٹ اے کیا تھا؟ آپ اسی ڈبے کے اندر رہتے ہوئے پانچ جو انکمز ہیں ان میں سے کوئی دو تین کما رہے ہیں. پوائنٹ اے یہ تھا. پوائنٹ بی یہ تھا, پوائنٹ بی, اے بی نہیں, درمیان والا نہیں, اینڈ والا. پوائنٹ بی یہ تھا کہ آپ اسی ڈبے کے اندر رہتے ہوئے کسی ایک ہیڈ میں بھی انکم کما رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے لیے بھی خرچہ کر رہے ہیں. اور پوائنٹ اے بی یہ تھا کہ آپ ایک وقت میں ان پانچ ہیڈز میں سے بھی انکم کما رہے ہیں اور آپ فائنل ٹیکس والی انکم بھی کما رہے ہیں. تو ان تین صورتوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ خرچے کو اپورشن کرنا پڑے گا. تو ادھر ہیڈ آف انکم سے کیا مراد ہے؟ ٹیکسیبل انکم سے بھی یہی مراد ہے, کیونکہ ٹیکسیبل انکم کا لفظ ان چیزوں کے لیے خاص ہے. اور فائنل ٹیکس ریجیم سپورٹس. یہ جو ہے نا ڈیریویشن آف انکم چارجیبل انڈر آیا ہیڈ آف انکم, اس سے مراد بھی وہی ہے. Some other purpose. So head of income, head of income اور taxable income, یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ سیم ہیں اور یہ ان کے لیے یوز ہوں گے. بوٹل پکڑ تو یہ ان کے لیے یوز ہوں گے جو پانچ ہیڈز ہیں ان کے لیے. کرنا کیا ہے؟ دا ایکسپینڈیچر شیل بی اپورشن آن اینی ریزنیبل بیس کنسیڈرنگ دا نیچر اینڈ سائز آف ایکٹیویٹی. پڑھ لیں ذرا ایک دفعہ سارا. اے بی اے اے بی اور بی اچھا, اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اوپر والی بریڈ پڑھیں گے, پھر یہ آپ درمیان والا کباب پڑھیں گے, اور پھر نیچے والی بریڈ کا پیس پڑھیں گے. اور جب آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے پھر یہ اوپر والی بریڈ دوبارہ پڑھیں گے, پھر یہ درمیان والے ٹماٹر پڑھیں گے, اور پھر اینڈ والا بریڈ کا پیس دوبارہ پڑھیں گے. اور پھر جب آپ آخری دفعہ پڑھیں گے تو آخری دفعہ پڑھنے کے اندر جو ہے آپ اگین اوپر والا بریڈ کا پیس بھی لیں گے, ادھر سے آپ کیچ اپ پکڑیں گے, اور اینڈ کے اوپر جو ہے وہ بریڈ کا پیس دوبارہ لیں گے. سینڈوچ بنا کے پڑھنا ہے تاکہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم بھی بچ جائے, وہ بھی پڑھائی کی نظر ہو جائے. ہوسٹ لائٹ کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل پہ جاتے ہیں, جا کے آرڈر کرتے ہیں اور 15-20 منٹ پھر ویٹ کرتے ہیں کھانے کا. یار اتنا یاری بن گئی بھی, اسے میسج کر کے بتا دیا کرو میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ, میرے لیے مٹن لیمب روز تیار رکھے. میں میسج کر دیا کرو, اب یہ ادھر جا رہے ہو, پھر پھر چائے کے لیے الگ سے 15 منٹ, ساتھ ہی بیٹھے ہو, کوئی نہیں یار آرام سے لیا, مجھے کون سی جلدی ہے. وہ مزے مزے سے چائے لا رہا ہے. اچھا چینی نہیں, جا دوبارہ لے کے جا, اس کو صحیح طرح گرم کر کے لایا. تو اپنی ضرورتیں سیکنڈوں میں پوری کیا کریں, ضرورتیں پوری کرنے میں جاتا, اور کچھ ضرورتیں جو ہے نا ان کو ایسے ہی دبا لیا کریں, کیونکہ اگر ضرورتیں پوری کرنے میں آپ لگ جائیں گے نا تو پھر یہی کام کرتے رہیں گے. مثال کے طور پہ آپ شیمپو نہیں ہے, صابن پہ گزارا کر لیں. یار ضرورتوں کو نا سمیٹا کریں, یہ نہیں کہ اچھا یار چینی نہیں ہے چلیں بغیر چائے پی لیں کوئی مسئلہ نہیں.
जरूरतों में, सीरियसली बता रहा हूँ, ये जिंदगी के सुनहरी असूल हैं, जितना आप इनको समेटने की कोशिश करेंगे ना उतना आसान होगा। बहुत सी जरूरतें तो ऐसी तर्क आप कर दिया करें आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जितने आप शब शबा में रहेंगे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं ये, मैं वो, मेरा क्या बनेगा, तो बस फिर आपका ही बनेगा। आगे चलें जी, अगले सफे पे आ जाएं, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। तो ये अब मैं एक हफ्ते बाद आप लोगों ने मुझे अपनी मिसालें देनी है कि आपने कौन कौन सी जरूरतें तर्क करके अपना टाइम सेव किया। एक हफ्ते का टाइम आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इंशाल्लाह सारे हॉस्टलाइड भी दूसरे भी। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, घर वालों को नहीं इस पे लेके आना, अम्मी की दही लेके आओ बेटा रायता बनाने, नहीं, अम्मी इस जरूरत को तर्क कर देते हैं, घर वालों को नहीं, ये अपने लिए असूल है। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई जान अगले सफे पे आ गया हूं मैं। एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ क्लास शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। इसकी क्या मिसाल है पिछले सफे पे? नहीं, एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ क्लास शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। भाई जान सैलरी, सैलरी सैलरी देखें पिछले सफे पे, क्या पता चल रहा है पाकिस्तान की दुकान की कितनी सैलरी है? क्या पता चल रहा है कनाडा की दुकान की अलग से कितनी सैलरी है? जो जिस दुकान का खर्चा है उसको वही माइनस करें, ये मतलब है इस बात का। जैसे कि पिछले सफे पे हमने पढ़े सैलरी, पाकिस्तान की शॉप की अलग आ रही थी और कनाडा की शॉप की जो मुलाजमीन को तनख्वाह दे रहे हैं, पता चल रहा है कनाडा की कितनी है पाकिस्तान की कितनी है? इसी तरह एक जो है वो यूनिवर्सिटी का है, हमारा एक कैंपस लाहौर में है, दूसरा कैंपस कराची में है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड कराची में है मेमन, उनकी तनख्वाह पता होगी, और जो सिक्योरिटी गार्ड इधर है लाहौर में, उनकी तनख्वाह अलग से पता होगी, तो पता चल जाएगा कौन सी तनख्वाह किसकी है कितनी है। एनी खर्चा डेट इज इनकर्ड फॉर अ क्लास शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। एनी कॉमन खर्चा, कॉमन खर्चा कौन सा? एनी कॉमन खर्चा एडवर्टाइजमेंट, हॉर्न बोल लेने एडवर्टाइजमेंट, ये 5,000 जो है ना कॉमन खर्चा था, कॉमन खर्चा, ये कॉमन खर्चा था, इसे बंद करवा दें और कुछ, बस काफी है फिलहाल के लिए इतना, या फिलहाल के लिए इसी बंद कर दें मेरा भाई। मैंने बता दिया आगे सर्दियां आ रही हैं, ऐसी तो फिर भी चलेंगे क्योंकि कमरे के अंदर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो एक चादर खरीद लें मोटी और उसको बैग के अंदर रख लें, जरूरत के वक्त उसको निकाल लिया करें, और कोई नहीं लोग पहनते हैं, शर्माया ना करें, मैं चादर पहनूं, मैं आपको कौन सी जो है वो बेड वाली चादर पहनने को कह रहा हूं, पेशावरी चादर ले लें। तो एनी कॉमन खर्चा, एनी, अब जो भी एसी बंद और चलवाने को क्या करेगा, पहले चादर चेक हुआ करेगी उसकी। एनी कॉमन खर्चा, एनी कॉमन डिडक्शन, एनी कॉमन अलाउंस विच रिलेट्स टू बिजनेस इंक्लूडिंग प्रिजम्प्टिव, प्रिजम्प्टिव बड़ा औखा सा नाम है, किसका? फाइनल टैक्स का, फाइनल का बड़ा औखा सा नाम है प्रिजम्प्टिव, एंड एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम की क्या मिसाल दी थी? एग्रीकल्चर। तो भाई आप एक वक्त में तीन किस्म के बिजनेस भी तो कर सकते हैं। यस सर, तूने ऐसे बोले जैसे कर रहे। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी लोकल सेल है, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी एक्सपोर्ट सेल है। मिसाल के तौर पे आप लेदर बैग्स बनाते हैं, तो फाइनल टैक्स रिजीम में चला गया, ये कहां चला गया? और आपके अंबों के बाग भी हैं, एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्जेम्प्ट भी है। अब आप एक वक्त में कितने काम कर रहे हैं? तीन काम। जो बैग बना के पाकिस्तान में बेच रहे हैं वो कहां गिरेंगे? वो नॉर्मल टैक्स में। जो बैग बना के बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो तो बिल्कुल ही अलग इनकम है, वो एग्रीकल्चर है। अब खुदा ना खास्ता इन तीनों का बिजली का बिल इकट्ठा आ गया, फील कीजिएगा, इन तीनों का बिजली का बिल क्या आ गया? अब आपको तीनों पे क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन। अब आपको तीनों पे पोर्शन करना पड़ेगा। तो ये वो बात करने की कोशिश करें खब्बी साइड पे। हाँ हाँ पढ़े जी।
विच रिलेट्स टू बिजनेस, बिजनेस कौन से हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल बिजनेस आपका हो सकता है इंक्लूडिंग फाइनल वाला बिजनेस भी हो सकता है और इंक्लूडिंग शेल बी एलोकेटेड टू ईच क्लास ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू, ये फॉर्मूला लगा के आप खर्चों को क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे, किस खर्चे को, असल मेन बात यह है जो बात की समरी है ना वो ये है, कॉमन एक्सपेंडिचर शेल बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला, कॉमन एक्सपेंडिचर, वो तो बीच में उसने ऐसी बात कर दी, बिजनेस भी होते हैं लोगों के, एग्जेम्प्ट इनकम भी होती है लोगों की, एक्सपोर्ट सेल भी होती है लोगों की, बीच में तो वो ऐसी बात कर दी, असल कहना कह रहे चार है कॉमन खर्चों को क्या करना है, एलोकेट करना है, किस फॉर्मूले की बेस पे, नीचे वाला फॉर्मूले की बेस पे, ये फॉर्मूला तो हम लगा चुके हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम का खर्चा आपने कैसे निकाला था, खर्चा कितना था 5,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 और 7,00,000 और मल्टीप्लाइड बाय, ये फॉर्मूला है जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पढ़ें, अमाउंट ऑफ खर्चा कितना, अमाउंट ऑफ खर्चा कितना 5,000 डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस रिसीट का भी मैं मतलब बताऊंगा सेल होता है, ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम्स, आर यू फीलिंग ऑल, लेट अस फील इट अगेन, तीन कितने गया, ऑल क्लास ऑफ इनकम, मल्टीप्लाई किससे करने, मल्टीप्लाई वापस आ जाए पाकिस्तान, मल्टीप्लाई किससे करने, ग्रॉस रिसीट फॉर अ क्लास ऑफ इनकम, फील करें ये 3,00,000 के साथ ये अ है और फील करें 3,00,000 और 7,00,000 के साथ ये ऑल है, चलें तो खर्चे को पकड़ने डिवाइड करने ऑल से और मल्टीप्लाई करने अ से एक फिगर बाहर आएगी, डेट विल बी द खर्चा टू बी एलोकेटेड टू पाकिस्तान सोर्स इनकम, वो कितना निकला था 1,500। ग्रॉस रिसीट किस बला का नाम है, ग्रॉस रिसीट भाईजन सेल को कहते हैं, ग्रॉस रिसीट किसे कहते हैं, सेल को, ग्रॉस रिसीट आर रिसीट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ, खर्चे माइनस नहीं हुए होते, ग्रॉस रिसीट तक पहुंचते हुए क्या माइनस नहीं हुए होते, खर्चे माइनस नहीं हुए होते, कॉलेज वालों के लिए ग्रॉस रिसीट क्या है, जो आप फीस जमा करवा रहे हैं, आपने जाके किसी डॉक्टर को आंखें दिखाई, आपने किसी डॉक्टर को जाके आंखें दिखाई, अब जो डॉक्टर ने आपसे पैसे मांगे उसके, तो वो डॉक्टर के लिए क्या होगी, ग्रॉस रिसीट होगी, चेक कराई मतलब, इसी तरह आपने किसी दुकान पे जाके बोतल खरीदी, तो जो 40 रुपए आपने पकड़ाए वो क्या होगी, ग्रॉस रिसीट होगी, तो जो दुकानदार को आप पैसे पकड़ाते हैं वो उसके लिए क्या होती है, उसमें से फिर वो खर्चे माइनस करके जो पैसे बचते हैं वो उसका प्रॉफिट होता है, तो ग्रॉस रिसीट का लॉस किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए। अच्छा जी, ये इसने लफ्स यूज किया था ग्रॉस रिसीट, इसको डिफाइन कर दिया, एक और लफ्स इसने यूज किया था कॉमन एक्सपेंडिचर, जिसकी मिसाल पिछले सफे पे एडवर्टाइजमेंट है, कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन, कॉमन अलाउंसेस मींस एनी खर्चा That is not clearly allocable to any पता चल रहा है, ये 5,000 10,000 और 7,000 की तरह क्लियर है, 10,000 तो क्लियर है ना पाकिस्तान की दुकान के, 7,000 भी क्लियर है पाकिस्तान की दुकान के, 5,000 क्लियरली पता चल रहा है कि ये कितना क्लियर है, ठीक है, तो इसलिए 5,000 को फिर क्या करें, अपोर्शन करें, इसलिए इस 5,000 का नाम क्या है, कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन, कॉमन अलाउंस मींस एनी खर्चा दैट इज नॉट क्लियरली मालूमेबल एलोकेबल टू एनी क्लास ऑफ इनकम। जी
जी बिल्कुल, थ्योरेटिकल टेस्टिंग भी होगी, न्यूमेरिकल टेस्टिंग भी होगी, जो चीज भी आपको थ्योरी में पढ़ाई जा रही है सारी आपने याद करनी है, और कैसे याद करनी है, मनो मन याद करनी है। अच्छा जी, तो नहीं पिछली दफा भी लोग पढ़े हैं, उन्होंने यही याद किया और पास होके भी इंशाल्लाह आएंगे, और उससे पिछली दफा तो पास होके भी आ गए, आप लोगों जैसे ही लोग थे, दो आंखें थी एक नाक था दो कान थे। पॉइंट नंबर 8, इन दिस रूल, इस रूल में क्लास ऑफ इनकम से क्या मुराद है? भाई जान, क्लास ऑफ इनकम एक बहुत ब्रॉड लफ्ज है, हेड्स ऑफ इनकम इसमें एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। क्लास ऑफ इनकम में क्या क्या आता है, कौन कौन सी मैक्सिमम, ज्यादा भी कोई बंदा लूट मचाने पे आए तो क्या क्या कमा सकता है? एक बंदा अगर ज्यादा से ज्यादा भी लूट मचाने पे आए ना, तो वो पाकिस्तान में भी कमाएगा और बाहर भी कमाएगा। ज्यादा भी कमाने पे आ जाए तो वो नौकरी कर रहा होगा कहीं, इसके अलावा वो क्या कर रहा होगा, कारोबार कर रहा होगा। अच्छा, कारोबार दो किस्म के हैं, एक कारोबार है स्पेक्यूलेशन, एक है नॉन स्पेक्यूलेशन। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेक्यूलेशन कारोबार क्या है जी? स्पेक्यूलेशन का कारोबार हम बिजनेस के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कारोबार है, उसकी एक डेफिनेशन दी होगी, तो इसलिए अभी इसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं, तकरीबन 40 से 45 मिनट हमें लगेंगे इस डेफिनेशन को समझने में। वो जो भी बिजनेस होगा स्पेक्यूलेशन, उसके अलावा वाले बिजनेस क्या समझेंगे हम? और आपने जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक, और जब इस दुनिया से चले जाने तब तक, आपकी नजर से नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस ही गुजर रहे हैं। जितनी दुकानें हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितना कुछ खुला हुआ है आपकी आंखों के सामने, जितनी फैक्ट्री हैं, जितने बड़े बड़े शोरूम हैं, ये सारे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस कोई अलग से बिजनेस है, इसके लिए अलग से क्लास होगी। अच्छा जी, पॉइंट डी, एक बंदा ज्यादा भी कमाने पर आ जाए तो कैपिटल गेन इनकम कमा रहा होगा, अदर सोर्स कमा रहा होगा, इनकम फ्रॉम क्लास ऑफ इनकम के अंदर ये सारे तो हो गए हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम 6 हैं, सैलरी, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी। तो क्लास ऑफ इनकम एक ब्रॉड लफ्ज है, हेड ऑफ इनकम उसके अंदर एक छोटा लफ्ज है। अब क्लासेस ऑफ इनकम में एक और भी आ जाती है, इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे एग्रीकल्चर इनकम चार्जेबल है सेपरेट ब्लॉक। नीचे एक जगह हमने लिखा हुआ देखा था सेपरेट ब्लॉक, लेकिन मैंने उसकी मिसाल नहीं दी थी, तो इसकी मिसाल अभी रहने दें। और इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स, डिविडेंड इनकम, एक्सपोर्ट सेल, बला 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 बला। तो ये जी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम, इन सबको क्या कहा जाता है? क्लास ऑफ इनकम। और इसी के लिए ऊपर उसने लफ्स यूज किया था प्रिजम्प्टिव का आई, और इसी के लिए उसने ऊपर एग्जाम इनकम का लफ्स यूज किया था, रेपिटेशन थी, देखें ऊपर उसने लफ्स यूज किया था प्रिजम्प्टिव का और एग्जाम इनकम का। नहीं, ये किसी हेड में नहीं आती। पढ़ें जी, वाइल एलोकेटिंग एक्सपेंसिस द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास मस्ट बी, खर्चे पोर्शन करते हुए हर क्लास की नेचर और सोर्स पता होनी चाहिए। पहले लिखा हुआ था हमने नेचर और साइज, यहां से लिख दिया नेचर और सोर्स, एक ही बात है, उसमें क्या फर्क है? अच्छा जी, मुझे बताएं कि फॉरेन जो इनकम थी उसमें हमने कितनी डाली थी? फॉरेन सोर्स इनकम में हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना डाला था? 30। ये वाला 3500, ये वाला 3500 ना, ये हमने किस इनकम में डाला था? फॉरेन सोर्स इनकम में हमने ये वाला 3500 डाला था। क्लियर? क्या ये कैलकुलेशन 100% प्रैक्टिकली एग्जैक्ट हो सकती है, या इसके अंदर जो है वो एरर भी हो सकता है कैलकुलेशन में? अगर इंसान करेंगे तो इसमें एरर भी हो सकता है। इस कैलकुलेशन में एरर क्या हो सकता है? कि 3500 की जगह जवाब आ जाए 3300, या जवाब आ जाए 3000, या जवाब आ जाए 3700, 3750, या जवाब आ जाए 4100। ये मुख्तलिफ जवाब आ सकते हैं। क्या ये रॉन्ग चीज एक्सेप्टेबल है? जी मोहतरम, ये एक्सेप्टेबल है, ये गलती एक्सेप्टेबल है।
ये गलती नहीं एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल। अब रूल क्या है जी? रूल ये है कि इंसानों ने कैलकुलेशन करनी है तो वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। प्लस या माइनस 10% तक वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एरर हो गई तो एफबीआर वाले आपको पनिश नहीं करेंगे। 10% का क्या मतलब है? कैलकुलेटर पकड़े बगैर 3500 का, छोड़ दो ना पकड़े बगैर, 3500 का 10% 350 तक की गलती क्या है? एक्सेप्टेबल है। 350 तक की गलती क्या है? अभी तो 7-8 मिनट पड़े। 350 तक की गलती क्या है? एक्सेप्टेबल है। 350 तक की गलती एक्सेप्टेबल है। 3300 और 3500 में कितना डिफरेंट है? 200। इसका मतलब है 200 की गलती छोटी मोटी है तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, 3500 का 10% क्या है? 350। इन दोनों फिगर्स में कितना फर्क है? 500 का। तो अच्छी खासी गलती हो गई है, तो ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अम्मी आपको कहें 10 किलो दूध, आप 11 किलो ले आए, ये तो एक्सेप्टेबल है। अम्मी आपको कहें 10 किलो दूध, आप 21 किलो उठा के ले आए, चल चपेड़ा मारो, पूरा ड्रम उठा के ले आए। तो 3500 का 10% 350, इन दोनों में डिफरेंस 250, ये गलती क्या है? एक्सेप्टेबल है। 3500 का 10% 350, इन दोनों में डिफरेंस 600, ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉट, तो जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी वो पनिशेबल होगी। एनोट ई कर ले। ओके जी, पॉइंट एच सेपरेट ब्लॉक इनकम, क्या कहा है भाई मैंने, क्या कहा है बाद में बताएंगे। चलें जी पढ़ें भाई आखिरी पैरा, द बेसिस फॉर एलोकेशन, वो जो हमने एलोकेशन की है उसकी बेसिस, द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ खर्चे डिडक्शन एंड अलाउंसेस शुड बी सेटिस्फाइड सेटिफाइड बाय अ, ये इनका कौन सर्टिफिकेट बना के देगा? यानी आप ये कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद सीए क्या बना के देगा? सर्टिफिकेट बना के देगा। इस कैलकुलेशन के बाद सीए क्या बना के देगा? सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट होगा जो सीए बना के देगा, ये डेथ सर्टिफिकेट है? नहीं, ये के कैलकुलेशन का सर्टिफिकेट है कि कैलकुलेशन सही हुई है या गलत हुई है। सीए ज्यादा पैसे मांग रहा है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से बनवा ले, वो शायद कम फीस में आपको कर देगा, फुल स्टॉप। दिस सर्टिफिकेट, बातें होगी, दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, कमिश्नर इस सर्टिफिकेट को गले लगाएगा। कौन बोल रहे है? बोले अरे चुप करें, अरे बोलो, दिस सर्टिफिकेट शैल बी कंपनी दिस विल बी सर्टिफाइड बाय एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, कमिश्नर इसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, कमिश्नर कहेगा कोई मसला नहीं, अनलेस there is any variation, अगर any variation हुई, बहुत ज्यादा variation हुई, तो
तो फिर इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अन्य वेरिएशन से क्या मुराद है, 10% प्लस हो या 10% माइनस हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सजा क्या मिलेगी वो यहां पे जिक्र नहीं किया गया, तो फिलहाल हमने बस जुर्म पढ़ लिया है कि 10% प्लस माइनस अगर एलोकेशन से ऊपर हो गया तो दैट इज पनिशेबल। ठीक है, कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत चलता है वो कह रहे हैं। अच्छा जी, मैंने लैपटॉप बंद किया, व्हाट यू पीपल आर ट्राइंग टू डू, बी गाइस प्लीज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23, किसी को कोई बात कोई लफ्ज बुरा लगा करे ना क्लास में, ऐसे टीचर का भी बोल दे, जनरली बोल रहा होता है ना, तो एक कान से सुन के दिमाग में रख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर द प्रोविजन ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस 2000, और फुफो के लिए भी कुछ कर दे, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अंडर द प्रोविजन ऑफ फुफो जी का ऑर्डिनेंस 2001 में मेड इन दी मौजूदगी ऑफ फुफा जी, स्टेट द सिचुएशंस वेयर एक्सपेंडिचर इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग खर्चा, जहां खर्चों को अपोर्शन करना पड़े ताकि रेलिवेंट खर्चे जगहों पर माइनस हो जाए। सवाल बताएं क्या है, सवाल में सवाल ढूंढने क्या है, सिचुएशन। बबलू ये सुनना चाह रहा था मैं आपसे, सिचुएशन, सवाल में सवाल बताएं क्या है, किन सिचुएशंस में खर्चे पोर्शन करने पड़ सकते हैं, तीन सिचुएशंस में, कितनी में, तीन सिचुएशंस में खर्चे पोर्शन करने पड़ सकते हैं, बताएं कौन कौन सी, ए ए बी और बी लिख के आ जाएंगे पेपर में और मजे होंगे। हद होगी यार, बंद कर दो रिकॉर्डिंग।